हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। जी हाँ, इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि TKR या हम कह सकते हैं कि गोड्डे बदलवाना पंजाबी में हम सब बोलते हैं या घुटने चेंज करवाना। पर इस प्रोसीजर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि घुटने बदलना बोलते किसको हैं। मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नी एक्सरे के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बताया था ग्रेड 1-2 इवन के 3 ग्रेड की शुरुआत में भी फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। पर लास्ट में मैंने बोला था जब ग्रेड 3 प्लस हो जाए और ग्रेड 4 हो जाए जिसमें हमारा नी ज़्यादा घिसना शुरू कर देता है, उसके लिए हमें नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं इस वीडियो में नी रिप्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट से डरते हैं। ये डर इस वजह से भी होता है क्योंकि जो नी रिप्लेसमेंट करवा चुके होते हैं किन्हीं कारणों से उनके नी उनको सूटेबल नहीं बैठते या वो अभी भी वीकनेस फील करते हैं, पेन फील करते हैं, तो वो एक नेगेटिव कमेंट्स देते हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत अच्छी होती है और इसके काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखे गए हैं अगर ये अच्छी तरह से की जाए। और इसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान से देखना और इसको लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। अब ये है ग्रेड 3+ और 4 ग्रेड जिसमें हमारा नी या आपकी मीडियल साइड जो है बिल्कुल प्रेस हुई हुई है, कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इस पेशेंट के लिए नी रिप्लेसमेंट मस्ट है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा नी रिप्लेसमेंट का कि हम ये वाली बोन और ये वाली बोन जो आपस में बिल्कुल बोन टू बोन जुड़ चुकी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, हम नी रिप्लेसमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कट लगाएंगे और नीचे वाली बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कट लगाएंगे, मतलब बोन को वहाँ से क्लियर कर देंगे। उसके बाद एक मेटेलिक पीस आएगा जो कि इस फीमर पे चढ़ जाएगा और एक मेटेलिक पीस आएगा जो इस टिबिया पे चढ़ जाएगा और बीच में प्लास्टिक सरफेस आएगी। उस प्लास्टिक सरफेस से मतलब मेटल टू प्लास्टिक जो वेट बियरिंग होगा वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो वेट बियरिंग काफ़ी देर तक ड्यूरेबल रहता है। तो ये प्रोसीजर होता है नी रिप्लेसमेंट का और इसमें कोई चीज़ नहीं होती कि गोड्डे को कैसे बदलना है कैसे नहीं बदलना है, सिर्फ ये मेटल पीस एक नीचे पर और एक ऊपर पर। तो जब ग्रेड 3 और 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है जिसमें हमारा ये फीमर बोन टिबिया के ऊपर कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से बोन टू बोन फ्रिक्शन करने लगता है, तो ये पर्पज़ क्या होता है नी रिप्लेसमेंट का या हमें ट्रीटमेंट क्या चाहिए होता है? कोई ऐसी चीज़ हो जो इस फ्रिक्शन को कम करे यानी कि इसका जो गैप है वो दोबारा मेंटेन करे, तो वो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट से हो सकता है। वो कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारा फीमर है और ये टिबिया है, तो बीच वाली जो कार्टिलेज है वो कम होने की वजह से ये बोन टू बोन फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ से जब कट लगता है और यहाँ से एक कट लगता है तो इसका जो मेटेलिक पीस होता है वो इस शेप का दिखता है और जो इसका मेटेलिक पीस होता है ये मेटल टाइटेनियम और कोबाल्ट यूज़ करते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। ये मेटल होता है जो कि टिबिया में यहाँ तक फिक्स हो जाता है, ये जो इसकी ये चीज़ बनी हुई है टिबिया में फिक्स हो जाती है, ये इस तरह से राउंडेड आएगा और ये कप इस तरह से। अब ये इसको हम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करना, यानी कि ऊपर वाली बोन के जो कॉन्डाइल्स हैं और नीचे वाली बोन के जो कॉन्डाइल्स हैं दोनों को मेटल कप चढ़ा देते हैं और बीच में जो लेयर आती है इस मेटल और इस मेटल के बीच में एक प्लास्टिक का पीस डाला जाता है जिसकी वजह से जो ऊपर वाली यानी कि फीमर बोन का जो मेटल होता है वो नीचे वाली टिबिया के प्लास्टिक के ऊपर आके डायरेक्टली उसको सरफेस उसका कवर करता है, मतलब उसका जो वेट है मेटल का वो प्लास्टिक के ऊपर आके गिरता है जिसकी वजह से हमारी वेट बियरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसके बाद जैसे नी का गैप इंक्रीज हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं उसका एक्सरे कैसे दिखता है नी रिप्लेसमेंट करने के बाद। अब देखिए ये है नी रिप्लेसमेंट का एक्सरे यानी कि AP व्यू। अब ये मेटेलिक पीस जो हमने डाला है ये फीमर को कवर कर रहा है और ये मेटेलिक पीस टिबिया को, इसके बीच में ये लेयर है प्लास्टिक की जबकि जो कि फीमर की मेटेलिक पीस को वेट लेगी। अब इसमें देखिए जो हमने पिछले एक्सरे देखा था उसको कंपेयर कीजिए कि कैसे उसमें मीडियल स्पेस बिल्कुल नहीं है और इस एक्सरे में देखिए मीडियल स्पेस इंक्रीज़ हो चुकी है। यही सिर्फ एक नी रिप्लेसमेंट ही एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारी मीडियल स्पेस को इंक्रीज़ कर सकता है, बोन कॉन्ग्रुएंसी को ख़त्म कर सकता है, मतलब बोन फ्रिक्शन नहीं होने देगा
और बोन टू बोन जो फ्रिक्शन होती थी तभी पेशेंट को पेन होता था। अब ये सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट को पेन कम हो जाता है। तो ये है साइड व्यू नी रिप्लेसमेंट का। इस पेशेंट ने दोनों नीज़ मतलब कि यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों नीज़, इसको बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उन्होंने दोनों नीज रिप्लेस करवाए हैं। ये है पटेला। साइड व्यू दिखाने का पर्पज़ ये है कि पटेला के पीछे जो लेयर होती है उसको भी शेव ऑफ करके बोन को, उस पर भी मेटेलिक चीज़ चढ़ा के उसके साथ इसकी भी रिप्लेसमेंट की जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि पटेला बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कर रहा होता है तो उसमें पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, तो पटेला का भी चेंज किया जाता है। इस चीज़ को ट्राई कंपार्टमेंटल सर्जरी बोलते हैं, यानी कि तीन हिस्से चेंज किए हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। तो इसमें देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कि मैंने साइड व्यू पहले एक्सरे में दिखाया था उसमें गैप बिल्कुल कम था, बिल्कुल बोन टू बोन जुड़ी हुई थी। अब इसमें देखिए गैप इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि ये पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है और ये काफ़ी पेन रिलीफ फील कर चुका होगा। तो अब आपने देखा कि कैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्क करती है और कैसे ये गैप इंक्रीज़ करती है और पेशेंट को पेन फ्री करती है। पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सक्सेस फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों टाइम पे फिजियोथेरेपी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपने देखा कि कैसे सिर्फ बोन को चेंज किया जाता है पर आपके मसल्स को नहीं। मसल्स को स्ट्रेंथन करना बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसकी सक्सेस के लिए। तभी पेशेंट पेन फ्री हो पाएगा और अपने नीज को स्ट्रेंथन देख पाएगा। तभी तो कहते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुछ लोगों को ये सूटेबल नहीं होता, ये उन्हीं को सूटेबल नहीं होता जो एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते। तो एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बारे में मैं अपना सेकंड पार्ट कि फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है और कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही हमारे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव काफ़ी सेशंस भी चलते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल नॉलेज दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं हमारे नी रिप्लेसमेंट को लेकर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी हेल्दी नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।